हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप किसी प्रकार का उद्योग चालू कर रहे हैं और उसको आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, MSME सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप बैंक में जाएंगे तो आपको MSME का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइज होते हैं, जो थोड़ा सा उद्योग खोले हैं या किसी प्रकार की दुकान है, तो उसका सर्टिफिकेट आप कैसे ऑनलाइन करेंगे, कैसे घर बैठे खुद से वो बना सकते हैं। आज हम अपने ऑफिस से ये वीडियो लाइव शूट कर रहे हैं और ये है निकेश, हाय बोलिए एक बार। और ये ऑनलाइन करेंगे, मैं आपको यहाँ पे लाइव शूट करूँगा और ये यहाँ पे मेरे डायरेक्शन के अनुसार ये ऑनलाइन करेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सिस्टम स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये हमारे एक कस्टमर हैं जो आए हुए हैं MSME का ऑनलाइन कराने के लिए, और इन्होंने बोला कि हम एक ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों का तेल बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको। आप किसी प्रकार का दुकान है, आप आसानी से इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका ऑनलाइन सर्विस सेंटर है, कपड़े की दुकान है, मतलब A to Z जिस भी प्रकार का आपका है मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस देते हैं, आप इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे जिस प्रकार से मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइए, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लॉगिन किया हुआ है udyogaadhar.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप अपने दुकान का या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इस प्रकार से वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार नंबर पूछेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना आधार नंबर लिखेंगे और उसके बाद से जो है यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी का नाम, मतलब जिसके नाम से है, जो ऑनर ऑफ बिजनेस है, मतलब जिसका नाम से बिजनेस आया है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम और आधार नंबर लिख लिया है। अब यहाँ करेंगे वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर यहाँ पे OTP चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसका यहाँ पे लास्ट का 4 अंक शो कर रहा है और OTP उस मोबाइल नंबर पे गया होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे OTP फिलअप करना है और यहाँ पे वैलिडेट वाले पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाएं। यहाँ पे मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे डिटेल्स नीचे में खुल के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाली बात यही है कि आपको अच्छे से फिलअप करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर में कैटेगरी पूछ रहा है, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जाति क्या है। तो यहाँ पे जनरल SC ST OBC देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल के आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे जेंडर अपना चूज करना है, पुरुष या फीमेल, मतलब मेल या फीमेल, जो भी आपका जेंडर है चूज करेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यस या नो, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे यस नो चूज करेंगे। अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है उद्यम का नाम, आपका जो दुकान का नाम है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आप उद्योग कर रहे हैं उसका क्या नाम है, यहाँ पे आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ गणेशा मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो यहाँ पे मैं वो इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कि संगठन का प्रकार, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि आपका किस प्रकार का संगठन है, मतलब आप खुद के ऑनर हैं या उसके साथ 2-3 लोग और हैं, मतलब ये आपको यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन में भरना है, जो कि 7 नंबर में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद से आप 7 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है कि प्रोप्राइटरशिप है या देख सकते हैं पार्टनरशिप है, इस तरह की भी कंपनियाँ चलती है। तो आपका जो कंपनी है वो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर लिखना है, तो जो मालिक है, जो ऑनर है उस दुकान का, उस यूनिट का, तो आप यहाँ पे उसका पैन नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ प्लांट, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लोकेशन है, मतलब आपका जो दुकान है वो कहाँ पे अवस्थित है, जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर रहे हैं, जो भी आपका है दुकान, आप यहाँ पे लिखेंगे उसका। यहाँ पे देख सकते हैं रोड है, यहाँ पे ब्लॉक नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ द, यहाँ पे बिल्डिंग है, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है,
ये जानकारी आप यहाँ पे सिंपली भर लेंगे। यहाँ पे उसका स्टेट कौन सा है, बिहार है कि झारखंड है, जहाँ से भी हैं आप यहाँ पे अपने अनुसार चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड प्लांट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है ऑफिशियल एड्रेस, मतलब जो आपका एड्रेस है यहाँ पे देख सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये जो है प्लांट का जो प्लांट जो हमने लगाया हुआ है इसका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे भर लिया है। मतलब जो आप दुकान है या प्लांट है तो आप यहाँ पे जो भी अपना एड्रेस यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड प्लांट पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको यहाँ पे अपना ऑफिस का एड्रेस लिखना है, जो आपका घर का एड्रेस है ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उसका राज्य चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू एनी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, क्या आप बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे यस नो में आपको जवाब देना है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेगा। देखिए यहाँ पे अगर यस करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये सारे देख सकते हैं जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे उसका लिस्ट आ जाएगा। तो जहाँ से आप हैं वहाँ आप चूज कर लेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको भरना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल आईडी भरना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपका जो है सर्टिफिकेट जाता है दो कि आपको प्रिंट आउट करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब उद्यम का जो प्रारंभ करने की जो तिथि है, जो भी आप दुकान चला रहे हैं या जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं उसका आपने कब स्टार्ट किया था, उसको आपको यहाँ पे इस तरह से कैलेंडर चूज करना है। चूज करके आपको यहाँ पे उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर में थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट्स ध्यान देने दें। पूछ रहा है कि क्या आपने पहले से कभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मतलब MSME EMI जो है आपने कभी UN नंबर या देख सकते हैं लघु उद्योग या ये देख सकते हैं पिछले कभी आपने इस तरह से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो अगर किए हैं तो यहाँ पे चूज करेंगे, अन्यथा यहाँ पे NA का एक टिक है इस पर आपको टिक कर देना है। अब आपको अपना यहाँ पे बैंक का डिटेल्स भरना है। बैंक डिटेल्स आप IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये आप जानकारी भर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर, थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस सेवा है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप इस पे टिक करेंगे और उसके अनुसार यहाँ पे NSE कोड ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप कोई सर्विस देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉमन सर्विस सेंटर है, ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, तो आप यहाँ पे सर्विस चूज करेंगे। मतलब जिस प्रकार का आप सर्विस देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है तो सर्विस यहाँ पे टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चूज करूँगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे भी आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे उसका NSE कोड ढूंढना है। देखिए यहाँ पे जो है आपके जितने प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं यहाँ पे लिस्ट खुल के आ जाता है। अब आपको इसमें से चूज करना है कि आप कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर एक मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे डिटेल्स खुल के आता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाते हैं तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। बेसिक मेटल बनाते हैं, देख सकते हैं ना, यहाँ पे व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मोटर, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन खुल के आती है। फर्नीचर का अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यहाँ पे 31 नंबर पे आपको मिल जाएगा। या अदर है रिपेयरिंग, इंस्टॉलेशन, गैस का, देख सकते हैं, वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट, सप्लाई, तो जो आप यहाँ पे करते हैं उसका यहाँ पे आप चूज करेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसके अनुसार आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। तो 14 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स खुल के आएगा। अब जब इसको चूज करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे नीचे वाले में खुल के आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जो यहाँ पे मैं ऑयल, मस्टर्ड ऑयल के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, कौन सा यहाँ पे सूटेबल यहाँ पे आएगा, तो उसके अनुसार मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बताया मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग चूज करेंगे, सर्विस है तो आप यहाँ पे सर्विस टिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मैंने यहाँ पे चूज किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इस प्रकार से कोड डालेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। अन्यथा आप क्या करेंगे, यहाँ पे NSE कोड लेने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट आपको चूज करना है, मतलब किस प्रकार का आपका सर्विस है। यहाँ पे उतने सारे सर्विसेज यहाँ पे आपको दिख के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैं जिसके लिए आवेदन कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, या फूड प्रोडक्ट्स होगा, मस्टर्ड है, सरसों का तेल, तो फूड मैं यहाँ पे चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे उसी के अनुसार यहाँ पे खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए खुल के आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद से 5 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं डिजिट कोड यहाँ पे खुल के इसी के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आया है वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स एग्जीक्यूटिव कम ऑयल, तो ये हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो यहाँ पे सर्विसेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे करेंगे तो इस प्रकार से ये एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्सन्स इम्प्लॉयड, मतलब आप जहाँ
सर्विस है या जो आप यूनिट लगाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग लगाए हैं, उसमें कितने लोग काम करते हैं उसकी जानकारी हमें भरनी है नंबर में। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है आपको, लाख में, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे फिलअप कर लिया। अकाउंट नंबर, FSC कोड, A to Z यहाँ पे मैंने सब चीज़, यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सब चीज़ मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आता हूँ, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, और उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आया एक ऑप्शन है सबमिट का। जैसे आप यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, पूछ ले आर यू श्योर, यहाँ पे आपको ओके वाले पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया है, और लास्ट टाइम आपको एक और OTP जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करना है, और इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप करना है। जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड आपको जैसे जैसे दिख रहा है वो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे OTP को फिलअप करेंगे। OTP जो है मेरे पास आ गया है, जो कि मैं इसे फिलअप कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे OTP और ये कैप्चा कोड मैंने फिलअप कर लिया। अब मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये पूछेगा ओके, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कैप्चा कोड जो मैंने गलत भरा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से कैप्चा कोड फिलअप कर लिया, मैं दोबारा से फाइनल सबमिट करता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना आपको। अब यहाँ पे देखिए फाइनली यहाँ पे प्रोसेस होना शुरू हो चुका है, और अब यहाँ पे ये 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उद्योग आधार मेमोरेंडम सबमिटेड सक्सेसफुली, योर UAM नंबर, ये UAM नंबर आपका जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है, या आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो चुका है। इस प्रकार से आपका उद्योग आधार का ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे आसानी से इसे प्रिंट आउट कर लेंगे। नीचे में आपको यहाँ पे प्रिंट बटन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो भी आपने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, और इस प्रकार से आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट हो जाएगा MSME का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बैंक में इस तरह से मांगा जाता है कि लाइए, तो आप आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं खुद से, अपने आप से। तो आप इसे क्या करेंगे, प्रिंट आउट करके आसानी से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम यहाँ पे इनको प्रिंट आउट करके दे दिए। अब ये बैंक में लगाएंगे और लोन वगैरह की भी ये काम करेंगे। देखिए इसके पास इनके मोबाइल पे भी जो मेल आईडी हमने डाला था उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे भी मेल पे आपके पास जरूर आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमसे पर्सनली चैटिंग करना चाहते हो, हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।